देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी सब बच जाता, हिरण भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे। इसलिए संतोष सुमन ने साफ कर दिया कि लंबे सोच विचार के बाद हमने इस्तीफा दिया है। हमारे ऊपर दबाव था कि अपनी पार्टी का मर्जर कर ले, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे और हमने अपने विधायकों के साथ बैठक की और तब ये फैसला लिया कि अब सरकार के साथ नहीं रह सकते हैं। अब गेंद संतोष सुमन का कहना है कि वो नीतीश कुमार के पाले में डाल चुके हैं। अब महागठबंधन के साथियों को तय करना है कि मांझी को उनकी शर्त पर महागठबंधन में रखना है या फिर मांझी अकेला चलो या फिर दूसरे गठबंधन के राह चलते हैं, वो तय होगा। फिलहाल संतोष सुमन क्या कुछ कह रहे हैं इस्तीफे के बाद, वो बयान सुनिए। तैयारी का कदम है, देखिए जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि विलय कर जाइए, विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने अपने पद से रिजाइन करके हम अलग होते हैं, हम विलय नहीं करते। स्वेच्छा से दिए हैं या दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए। विलय कीजिए मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है, क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है, ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था, इसके पहले भी चेतन मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरण भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे। इसलिए अलग एनडीए में जाने की तैयारी है सर, एनडीए में जाने की तैयारी है सर। 23 तारीख की जो बैठक होगी आपको समझ में आएगा? अरे जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहां से बैठक में बुलाया जाएगा? क्या एनडीए की तैयारी क्या हो रही है? देखिए, वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग में ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, जा सकते हैं बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर। इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से बात हुई थी? नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है, उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच गए। तो लंबे समय से आपके ऊपर दबाव था। आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।